फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आज मैं 5 बेस्ट कैमरा फ़ोन 2019 के बारे में बात करूंगी कि 2019 में आपको वो कौन से 5 बेस्ट कैमरा फ़ोन मिल रहे हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, आपको सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा चाहिए है, आपको रियर कैमराज में कितने लेंसेज चाहिए। आपको पता है कि आजकल जो है वो कैमरा टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है और उसके लिए बेस्ट कैमरा फ़ोन चूज़ करना आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपटीशन बहुत टफ है और कैमरा टेक्नोलॉजी मज़ीद इम्प्रूव से इम्प्रूव हो रही है, लेकिन आपको मार्केट में अच्छे से अच्छा कैमरा फ़ोन मिल सकता है। लाइक जो आज मैंने चूज़ किए हैं उसमें है Huawei P30 Pro, Google Pixel 3, Mate 20 Pro और Galaxy S10 एंड Galaxy Note 9। अब इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस आपको नहीं मिलेंगे इन 5 डिवाइसेस में, क्योंकि बेस्ट कैमरा फ़ोन मेरे मुताबिक। आप लोग की अगर कोई और राय हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने जितना रिसर्च किया है, मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन्स थे। और इसके साथ 2-3 तो ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनके कैमरा में बहुत ही माइनर डिफरेंसेस हैं। तो टाइम ज़ाया नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले है मेरे पास Huawei P30 Pro। रिसेंटली लॉन्च की गई है Huawei की तरफ से ये डिवाइसेस, एंड मैं आपको बता दूँ इसका कैमरा अमेजिंग है। लाइक जो लोग Google Pixel यूज़ कर चुके हैं, उनके डिवाइसेस यूज़ कर चुके हैं, और Google Pixel 3 के कैमरे के बारे में अगर उनको पता हो तो बहुत ही क्लोज है Google Pixel 3 और Huawei P30 Pro। P30 Pro के रियर कैमरा जो है वो ट्रिपल आपको मिलेंगे, 40 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस है, इसके साथ 20 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, 8 मेगापिक्सल फॉर टेलीफोटो लेंस, एंड इसके साथ OIS भी मौजूद है। फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल है, इसमें भी OIS सपोर्टेड है। Huawei P30 Pro में जो बेस्ट चीज़ है वो इसका जूम है, जो कि पावरफुल प्रो फीचर्स आपको मिलेंगे इसमें, पोस्ट प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा बेहतर होती तो अच्छा होता। अगर आप बेस्ट पोर्ट्रेट पिक्चर्स चाहते हैं तो Huawei Mate 20 Pro उनके लिए बेहतरीन है। जी फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट डिवाइस है मेरे पास Samsung Galaxy Note 9। Note 9 में कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि Note 9 यूजर्स का कहना है कि उनके स्मार्टफोन का कैमरा बहुत ही अच्छा है। जैसे कि iPhone XS Max के रिजल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे हैं अकॉर्डिंग टू iPhone यूजर्स, तो Note 9 मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि इसके वाकई कैमरा रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इस पर आपको मिलता है ड्यूअल रियर कैमराज, एक है 12 मेगापिक्सल, एक है 2 मेगापिक्सल, और इसके साथ फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल विद OIS सपोर्टेड। लेकिन मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग S9 प्लस यूज़ कर चुके हैं तो वो Note 9 और S9 प्लस के कैमरा में कोई इतना डिफरेंस उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही सेम है। ऑल दो इनके जो डिज़ाइन और डिस्प्ले है वो आपको जो है वो उसमें फ़र्क मिलेगा, लेकिन कैमरा में ऐसे आपको कोई भी फ़र्क नहीं मिलेगा। आपको पता है कि Note 9 जो है वो टॉप एंड डिवाइस है, एक्सपेंसिव है, S9 प्लस जो है वो
कुछ चीप है और इसके साथ नोट 9 जो है वो एक्सपेंसिव है, तो आपको डिज़ाइन, डिस्प्ले, ये चीज़ें इसमें चेंजेस मिलेंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च करके और एस पेन यूज़ करना चाहते हैं स्पेशली, तो आप नोट 9 परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ अगर कैमरा की तरफ जाना चाहते हैं, तो अगर आप एस 9 प्लस और नोट 9 में आप कन्फ्यूज़ हैं, तो आप एस 9 प्लस परचेज़ कर सकते हैं। डिज़ाइनर्स मैंने आपको बता दिया है, इसकी भी जो लो लाइट फोटोग्राफी है वो बहुत ही अच्छी है, बेहतरीन है, क्योंकि ऑटो मोड पर एक्टिवेट हो जाती है, तो आपको एस सच कोई मैनुअली इसको कंट्रोल नहीं करना पड़ता। फ्रेंड्स, अब है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S10 Plus। S10 Plus में आपको मिलता है बिग डिस्प्ले और बहुत ही अच्छा कैमरा। रेयर कैमरास की बात करूँ तो रेयर कैमरा आपको मिलता है, एक है 12 मेगापिक्सल, दूसरा भी आपको 12 मेगापिक्सल, एक आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल विद OIS सपोर्टेड। एंड जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है, इसमें भी आपको ड्यूअल फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है, एक 10 मेगापिक्सल और एक है 8 मेगापिक्सल। S10 Plus में भी लो लाइट फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, इसमें HDR वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है ऑल्दो, और इसमें आपको मिलता है 2x ऑप्टिकल जूम, लेकिन इसमें 123° अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस किससे आप पिक्चर्स ले सकते हैं, जो कि आप सोचें कितनी अच्छी आ सकती हैं। एंड इसके साथ ये भी बताते चलूं कि लाइव जो फोकस है, इसमें मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है इसमें, कि इसमें आपका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल उसके शेड्स चेंज हो जाते हैं, यानी कि मैं अगर चाह रही हूँ ग्रे कलर का हो जाए और जो मेरी पिक्चर है वो बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाए, तो वो चीज़ इसमें फीचर मुझे मौजूद है, जो कि Mate 20 Pro में भी मौजूद है। एक ये चीज़ हो गई। एंड इसके साथ आप चेंज भी कर सकते हैं बैकग्राउंड का, अगर कलर आप चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें ये मूड बहुत अच्छा दिया गया है। तो ये थी वो 5 डिवाइसेस बेस्ट कैमरा फ़ोन 2019 की, जो कि आप परचेज़ कर सकें, अभी भी पाकिस्तानी मार्केट्स में अवेलेबल हैं। मैं दोबारा से कहूँगी कि आप पहले अपनी फोटोग्राफिक नीड्स देखें कि आपकी क्या नीड्स हैं, आप सेल्फी कैमरा अच्छा चाह रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं DSLR इफेक्ट्स चाह रहे हैं, कि आपको एक ही डिवाइस में फुल पैकेज मिल जाए, तो आप जो है वो इन 5 डिवाइसेज में कोई भी एक डिवाइस चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ कीप विजिटिंग अवर चैनल।